द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने और पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के ऊखीमठ से कैलाश रवाना होने की तिथि आज महाशिवरात्रि पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार घोषित कर दी गई है। अब 6 मई को प्रातः 6:25 पर भक्तों के लिए बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। 2 मई को बाबा की डोली धाम के लिए रवाना होगी। बाबा केदारनाथ के कपाट 6 मई को 6:25 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले 1 मई को भगवान भैरवनाथ का पूजन होगा और 2 मई को बाबा केदार की डोली को सभा मंडप पर लाने के बाद डोली धाम के लिए रवाना होगी। डोली पहली रात्रि प्रवास गुप्तकोशी में करेगी। 3 को डोली रामपुर में रात्रि प्रवास के बाद गौरीकुंड के लिए रवाना होगी। 5 मई को बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली धाम के लिए रवाना होगी और अगले दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर इस वर्ष धाम में पूजाओं के लिए मुख्य पुजारियों से भी नियुक्ति कर दी गई है। केदारनाथ धाम की जिम्मेदारी अब एमटी गंगाधर लिंग को सौंपी गई है, जो मधुमहेश्वर धाम में शिव शंकर लिंग तैनात रहेंगे। मई 6 तारीख को कपाट खुलेंगे, ठीक प्रातः काल 6:25 पर, और जो भगवान केदारनाथ जी का उससे पूर्व जो कार्यक्रम होता है भैरवनाथ पूजा, 1 मई को होगा, दूसरी मई को, 2 मई को भगवान यहाँ से हिमालय गमन करेंगे और प्रथम पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर में, 3 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर जी गौरीकुंड गौरी माई मंदिर में भाटा में रहेंगे, और 4 तारीख को भगवान केदारनाथ जी गौरीमाई मंदिर में रहेंगे, और 5 तारीख को भगवान अपने धाम वैराग्य पीठ हिमालय में पहुंचेंगे, और 6 तारीख प्रातः काल में भगवान शिव केदारेश्वर जी का सभी भक्तों के लिए जो कपाट खुलेगा वह 6:25 में खोला जाएगा। कहते हैं सड़मा से ओंकारेश्वर मंदिर में शिवलिंग और विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में शशिधर लिंग पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा बागेश लिंग को अतिरिक्त पुजारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने बताया कि केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि अब घोषित कर दी गई है। रुद्रप्रयाग से अंकित भट्ट, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।